लिफ्ट आने में यहाँ पे टाइम लगता है, नहीं भी तो कम से कम एक दिन। वहाँ से तो यहाँ इतना ठंड था, यहाँ इतना गर्मी, बाप रे बाप, हालत खराब हो गया सभी लोगों को। कल आज फोन किया ना सर्वे वाला को, क्या बोलता है, बार बार फोन मत करिए। बहुत अच्छे से बोले जी हेलो, तो कहता है बार बार कॉल नहीं करिए। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्लॉग की शुरुआत हो रही है रोड पे से। यस, अभी हम लोग जा रहे हैं जिम जा रहे हैं, और कल वाला जो व्लॉग था वो हो गया अपलोड सुबह 8 बजे। उसको आप लोग देखो जाके, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तब तक मैं पहुँचता हूँ जिम पहुँचने तो फिर मिलते हैं। भाई जिम तो आ गए, और यहाँ पे पार्किंग लिफ्ट आने में यहाँ पे टाइम लगता है, नहीं भी तो कम से कम एक दिन। निकल गए जिम से, जा रहे हैं घर। यस, और मेरे जिम के पास से रेलवे का ट्रैक दिखाते हैं, इसके पीछे है। और यहाँ पे ये घर बन रहा है इसका, यहाँ पे घर नहीं बन रहा है, कौन मॉल किराया। अरे बना के वही है, मतलब बनाएगा फिर किराया लगा देगा। बस जाते हैं यहाँ से घर, फिर मिलते हो सभी लोगों को प्रणाम कर लो। निकलते हैं यहाँ से घर। एक तो बैंगलोर से आने के बाद यहाँ पे इतना ही गर्मी लगता है, मत पूछिए। आज से तो यहाँ इतना ठंड था, यहाँ इतना गर्मी है, बाप रे बाप, हालत खराब हुआ था। निकलते हैं धूप में, जाते हैं मस्त घर। स्नैप भेजना था, स्टोरी डाल दिया, इंटेलिजेंट लोग। तो भाई नीचे तो आ गया है, तो वो अपना वो भूल गया जो वो पहनना था फुल वाला, टैनिंग से बचने के लिए। तो भाई घर तो आ गए, अंडा लेना था, अंडा भी ले लिए, जा रहे ऊपर, मुंह कान धोएंगे, उसके बाद फिर अंडा खाएंगे। यस वर्कआउट। अरे तो मस्त खा पी के सो गए थे, और अभी बज रहा है 5:30, 6 बजे से क्लास है, अभी निकल रहे हैं, जा रहे हैं क्लास। देखिए बाहर का मौसम दिखाते हैं, देखिए ये मौसम है, इस मौसम में जाना है क्लास। जाते हैं, आते हैं तो फिर मिलते हैं। आने के बाद भी कुछ कुछ काम है घर का, वो भी करना है, एक बार पहले निकलते हैं क्लास के लिए। तो भाई क्लास से तो आ गए थे, और अभी निकले हैं पापा के साथ थोड़ा सामान वगैरह लेने। अभी यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के सामने है, और इतना जाम था, देखें आप लोग कितना जाम था। तो पहुँचते हैं एक बार घर। शायद हर्ष बाबू आए हमारे, तो निकले शेक वगैरह कुछ पीने में। देखिए पहुँचते हैं घर पहले। घर यहाँ इस रोड में सबसे ज़्यादा चमक एक ही चीज़ में, वो है एटीएम, पूरा लाइट लाइट है ना। ये देखिए पूरा यहाँ तक चमकाए हुए, एक ये लाइट है। तो गाइस शॉर्मा टेल्स हैं शॉर्मा खाने के लिए, अभी हम भी ब्लॉग बनाते हैं। ना अरे पता है पॉलिसी बजाने वाला है, फोन किया ना सर्वे वाला को, क्या बोलता है, बार बार फोन मत करिए। पॉलिसी बजाने वाला जान दिया, आपका काम है फोन उठाना, आपको नहीं उठाना आप काम छोड़ दीजिए, है कि नहीं। अगर आपको फोन नहीं उठाना आप काम छोड़ दीजिए, सिंपल, फोन तो करूंगा यार। तो भाई घर तो आ गए, अब चढ़ रहे सीढ़ी। यस, एक बार पहुंचते हैं घर ऊपर, उसके बाद फिर एक सेकेंड। यस, एक बार पहुँचते हैं घर ऊपर, फिर बात करते हैं आप लोगों से, और पॉलिसी बजाने वाले में जो क्या बोलूँ बताऊँ मैं,
जी तो बज रहा रात का 12 और खाना वगैरह खा के ऑल सेट हो चुके हैं। अभी आए हुए थे थोड़ा यू नो नींद वगैरह अभी तो पूरी हो जानी चाहिए, इसलिए आए थे। सुबह है 6 बजे क्लास, सॉरी 7 बजे क्लास, 6 बजे क्लास रहेगा तो जाना उन्हें छोड़ देंगे। तो सुबह है 7 बजे क्लास, तो इसलिए थोड़ा सा उठना पड़ता है जल्दी, इस वजह से थोड़ा सा सोना पड़ता है जल्दी। कहाँ बैंगलोर की आदत थी, क्या सोना क्या उठना। तो और हाँ, पॉलिसी बाजार वाले ने जो मतलब लेके जिसके अंडर मेरी गाड़ी है, जो भी मेरी गाड़ी का भी देख रहे हैं क्लेम वगैरह सब, जो सर्वेयर वाले हैं ठीक है, उनको मैंने कॉल किया, वो मेरे बम्पर का क्लेम नहीं दे रहे। क्यों? कह रहे मल्टीपल डैमेज है, तो मतलब लेफ्ट साइड से लगी हुई है, तो राइट काटे तो आगे वाली गाड़ी में बम्पर टकराया। तो कहते हैं कि आपके आगे गाड़ी कैसे हो सकती है। हम बोले कहा है रोड पे अकेला हम ही चलते हैं क्या? हम खैर उसमें कुछ नहीं बोले, हम बोले कोई बात नहीं सर ठीक है, अब क्लेम नहीं देना मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैंने उनसे कुछ बात करने के लिए दोबारा कॉल किया उनको, ठीक है, लाइक उन्होंने कॉल की जब मैं जिम में था ना तब ये सब हुआ, तो उन्होंने कॉल किया तो पहले बात हो गई, तो फिर दोबारा जब हम कॉल किए तो कहते हैं बोले कि हाँ जी हेलो, बहुत अच्छे से बोले जी हेलो, तो कहते हैं 12 बार कॉल नहीं करिए ऐसे, मतलब भाई एक होता है ना, हाँ सर मतलब हाँ बोलिए क्या, मतलब जी हेलो 12 बार कॉल नहीं करिए। हम बोले अरे वाह नाइस, बोले सर आप मुझे एक बात बताइए मैं क्यों ना कॉल करूँ। तो कहता है आपको जब एक बार कह दिया कि क्लेम नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हम बोले कि सर देखिए आप पहले जिस तरीके से बात कर रहे हैं मत करिए, दूसरी बात कि आपने मेरी बात सुनी नहीं मैं आपको क्या कहना चाहा, तीसरी बात कि अगर आपको प्रॉब्लम है कॉल रिसीव करने से तो आपको हम छोड़ दीजिए। यस भाई नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कहीं बैठा हूँ मेरे को आप लोग कॉल करोगे ठीक है, लेकिन मेरा वो जॉब है कि मुझे आप लोगों को कॉल रिसीव करना है, आप लोगों से किन्हीं भी एक बंदे को कह दिया कि मत करो कॉल, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो हम तो एक ही बात बोले कि सर अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉल उठाने से प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो यार, आप मत आप छोड़ दो अपना मतलब जॉब छोड़ दो आप। तो ये सब बात हुआ था नॉर्मल, मतलब उसके बाद फिर मैंने बात किया डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने बोला कि वो कर देंगे लाइक इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। बोला मैम एक्शन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था बम्पर का क्लेम जो कि मिला नहीं, अब एक्शन लेके क्या करोगे, छोड़ दो कोई बात नहीं है। तो यही सब बात थी, तो मैंने जाने दिया, मैंने कोई बात नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार मैं आप लोगों को ये बताना चाहा कि जो बंदा आप लोग से ऊपर बैठा है वो कस्टमर से कैसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है ठीक गलत है, और जो ऊपर बैठ के ऐसा कर रहे हैं बात कर रहे हैं इस वे में विच इज़ रॉन्ग है जी। खैर ये सब बात हटाओ, अब ये सोने की तैयारी, तो खैर सोने कल पापा जाने वाले बाहर, तो उसके लिए तो वो तो निकल जाएंगे 9:30 बजे, उस टाइम तो मैं शायद क्लास में रहूँ। एनीवेज इस व्लॉग को करते हैं पे एंड, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, अगर चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब। बाय बाय गुड नाइट सी टीम्स टेक केयर, कल जिम भी जाना है, तो उधर से आने के बाद इतना गर्मी लगता है ना। एनीवेज कोई बात नहीं, गुड नाइट।